पहले से एक जो प्रोजेक्ट का पोस्टर आया था, पोस्टर से कैसा लग रहा था बर्बाद की तू तो बाल के फेंक दियो, बड़ा घटिया वाहिया था, लेकिन जितना वाहिया था वो पोस्टर था उतना ही अच्छा इसका ग्लिम्सेस है। ग्लिम्सेस देख के यही कहूंगा कि कहते हैं ना डोंट जज अ बुक बाय इट्स ब्रा सिंबसी। देख के ऐसा लग रहा है जितना प्रभास ने आधा पुरुष आधा कार्टून में हगा था ना प्रोजेक्ट में उतना ही ज्यादा साफ कर दिया, जितना लॉन्डे नाइटफॉल के बाद अपना कच्चा साफ कर देते ना सिंबसी। प्रोजेक्ट के मतलब कल के 2898 से उम्मीद उतनी है जितनी सलमान खान को सच्चे प्यार मिलने की उम्मीद है, किन्नर जौहर को बाप बनने की उम्मीद है सिंबसी। वेलकम बैक गाइस, दिस इज शायद आज के वीडियो में हम बात करेंगे जैसे कि बॉलीवुड का बाप एसआर के जवान पठान और डोंकी से बॉक्स ऑफिस ब्लास्ट कर रहे सेम वैसे साउथ का बाप प्रभास इस तरीके से आदिपुरुष से बॉक्स ऑफिस नाश कर रहे सेम वैसे, लेकिन उनकी दो मूवी बाकी है मेरे दोस्त एक सलारे के प्रोजेक्ट के, तो आज प्रोजेक्ट के का कुछ ग्लिम्सेस आया, टाइटल अनाउंसमेंट आया तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रभास और एसआर के दो ऐसे एक्टर हैं जिनका कोई कंपटीशन ही नहीं, खुद ही रिकॉर्ड बनाते हैं और खुद ही तोड़ते हैं रिकॉर्ड। अंधेरे में आधा पुरुष आधा कार्टून आदिपुरुष था गोबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया और इसी प्रोजेक्ट के असली सच्चा ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया, और इसके लिए मैं उतना ही एक्साइटेड हूँ जितना लोग अपने स्वागत के लिए होते हैं। के ग्लिम्सेस में देखने मिलता है धरती पे पानी की कमी हो गई है, जैसे हम लॉन्डो को सिंगल लॉन्डो को गर्लफ्रेंड की लॉन्डिये की कमी हो गई है सिंबसी। कल की 2898 मतलब प्रोजेक्ट के ग्लिम्सेस देखे पूरा हॉलीवुड की वाइब आ रही है। अरे रुको यार, इसका मतलब ये नहीं कि हॉलीवुड से कॉपी कर लिया, इसका मतलब ये है कि माल बड़ा कंटाप है, मजा आ गया। डोरेमोन बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि वो फ्यूचर की कहानी, साइंस फ्रिक्शन है गैजेट्स की बात होती है, सेम इसी तरीके प्रोजेक्ट की भी साइंस फ्रिक्शन है और फ्यूचर की कहानी, तो मैं इसके लिए इतना ही एक्साइटेड हूँ जितना दूल्हा अपने स्वागत के लिए होता है मेरी जान। हवस मेरी जान अब चंगा सी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि प्रभास की एक मूवी है जी साहू, वो ऑडियंस को साहू नहीं थी साहू थी, और वो कह रहे थे कि साहू सालो साहू। उसके बाद एक प्रेम कहानी आई थी इससे राधे साहु, जिसे देख के ना ऑडियंस का नीचे से आंसू निकल गया था मूत के रूप में, और फिर उसके बाद आदिपुरुष आई थी जिसका वीएफएक्स देख के ना पिछवाड़े से पार निकल गया था। डर इस बात का है कि प्रोजेक्ट के को भी देख के इस तरीके से हमारा पार ना निकल जाए, बस यही प्रोजेक्ट के इस तरीके से माइथोलॉजी और हमारे गॉड भगवान से रिलेटेड कुछ कहानी हो सकती है, अगर संस्कृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया, डायलॉग अच्छे हुए तो ये इसके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, और छेड़खानी कर ली तो माइनस पॉइंट होगा, जैसे आदिपुरुष के साथ हुआ था ना सिंबसी। प्रोजेक्ट के ग्लिम्सेस देखिए यही कहूंगा, लाइटिंग कलर ग्रेडिंग वीएफएक्स एक्टिंग सब देखिए यही कहना चाहूंगा कि बॉक्स ऑफिस को फाड़ देगा। हम लोग जानते हैं प्रभास इतने बड़े एक्टर है कि अगर वो किसी मूवी में पाद भी मार दे तो वो मूवी 300-400 करोड़ कमाई लेती है, तो अगर हक दिया किसी मूवी में तो फिर क्या होगा वो तो आप जानती हो, जैसा आदिपुरुष के साथ हुआ था सिंबसी। ग्लिम्सेस के एंड में मुठ लगाते हुए दिखाया जाता है प्रभास को, अरे ऐसा कुछ क्या समझते हो यार। सुनने को आए कमल हसन इस मूवी के विलन है तो कमाल ही है, क्योंकि उनकी एक्टिंग बवाल ही है, उनका कोई जवाब ही नहीं है यार। 2898 मतलब प्रोजेक्ट के का बीजीएम सुनना कुछ इस तरीके से, अरे भाई बीजीएम है या फिर हिंदी का वरमाला पड़ा जा रहा है पता ही नहीं चल रहा। इस तरीके से दीपिका त्रिकोण भी है जो बॉलीवुड की क्वीन है, और बॉलीवुड की हर बड़ी मूवी होती है जैसे जवान पठान, अब इस तरीके से प्रोजेक्ट के, और जो उनका पति है वो टिकटॉक या छप रही है तुम क्या मिले गुल किले, अरे टिकटॉक ये क्या कर रहा है मुझे पता है, तू घर घर इसी संभालता है अपने न्यूज वायरल करता है बहुत ही बढ़िया, अब तू कुछ समय बाद 2-4 बच्चे पैदा करके भी दिखाएगा रंगीला सिंह। बस आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं, कार्यक्रम देखकर मजा आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, मैं मिलता हूं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, निकलते हैं। सीधा साधा हूं मैं थोड़ा सा हूं बैड गर्ल बेबी आई एम अ बैड बॉय कैन यू बी माय बैड गर्ल।